के साथ में विजेंद्र सोलंकी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आरएएस अभ्यर्थियों का धरना खत्म हो गया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर धरना खत्म कराया, माला पहनाकर धरना खत्म कराया गया, साथ में जूस पिलाकर धरना खत्म कराया गया। इस दौरान नारेबाजी भी हुई, यहां तक नारे लग गए कि राजस्थान का एक ही लाल किरोड़ीलाल, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने इस आवाज को उठाया जब विधानसभा के अंदर कार्यक्रम था। उस दौरान भी मुख्यमंत्री से किरोड़ीलाल मीणा ने इस बारे में बातचीत की, छात्रों को आश्वासन दिया और आज पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर ये फैसला हुआ कि तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा। मांग आरएस के परीक्षार्थियों की इसलिए जायज थी कि इसमें 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में ड्यूटी दी थी, सेवा दी थी, उनको परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये था, एक आरपीएससी ने पर्याप्त समय नहीं दिया। पहले कभी 115 दिन का समय दिया, 120 दिन का समय दिया, लेकिन अब की बार सबसे कम 90 दिन का समय दिया था। तीसरी बात, हमने कैबिनेट में यह तय किया है, इनकी मांग को पूरा कर दिया, लेकिन ये मांग बार बार नहीं उठे, बार बार परीक्षा देने वाले धरना न दें, प्रदर्शन नहीं करें, इसको अवॉइड करने के लिए हमने सरकार आरपीएससी को कहेगी कि वो यूपीएससी की भांति कैलेंडर जारी करे परीक्षाओं के लिए। इसलिए ये सब जवानों की, बेरोजगारों की ये बहुत लंबे समय से मांग की थी, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। गहलोत सरकार ने उसको पूरा नहीं किया, भजनलाल सरकार ने आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी यूपीएससी के भांति ये कैबिनेट में फैसला कर लिया है।